हरिओम। आज हम कक्षा 5 का लेसन नंबर 4, नाम है नंबर, उसको पढ़ेंगे। नंबर, नंबर का हिंदी मीनिंग होता है वचन। जिस प्रकार एक वचन, बहुवचन होते हैं, वही हम इंग्लिश में उन्हें नंबर कहते हैं। तो काइंड्स ऑफ नंबर, वचन के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं वचन? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, मोर देन वन। एक वचन यानी कि वे नाउंस, वे संज्ञाएं जो हमें किसी वस्तु के एक होने का बोध करवाते हैं, वो एक वचन होता है। और बहुवचन, एक से अधिक, वो बहुवचन है। सभी नाउन सिंगुलर होते हैं, जितने भी नाउन हैं, संज्ञाएं हैं, वो सिंगुलर तो होते ही हैं, किंतु जो नाउन काउंटेबल है उसको हम प्लूरल बना सकते हैं, या उनको प्लूरल बनाया जाता है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन यानी काउंट करना, गिनना, जो संख्याएं गिनने योग्य है, जो संज्ञा गिनने योग्य है, जिसको हम नंबर में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से गिन सकते हैं, उनको हम बहुवचन बना सकते हैं। तो एक वचन और बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। तो उन नियमों के आधार पर हम एक वचन से किसी भी नंबर को, किसी भी नाउन को बहुवचन में बदल सकते हैं। तो बहुवचन बनाने के लिए जो नियम है, उनमें पहला नियम जो है वो इस प्रकार है। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में जो भी सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, उसके अंत में, उसकी मीनिंग के अंत में अगर HS, CH, O, X, S, SS हो, तो HS, CH, O, X, S अथवा SS अगर ये आता है अंत में, तो उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम ES जोड़ेंगे तो वो नंबर प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिख रहे हैं जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया है। जैसे पहली मीनिंग यहाँ है ब्रश, BRUHS, तो इसके अंत में आ रहा है HS, तो इसके अंत में हम जोड़ेंगे ES, तो ब्रश का ब्रशेज हो जाएगा और ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैच, अंत में CH आ रहा है, तो इसके अंत में भी हम ES जोड़ेंगे तो मैचेस हो जाएगा। जैसे बफेलो, अंत में ओ आ रहा है, तो इसके अंत में भी हम बहुवचन बनाने के लिए ES जोड़ेंगे तो बफेलोज हो जाएगा। आगे है फॉक्स, अंत में X आ रहा है, तो फॉक्स का फॉक्सेज हो जाएगा, ES जोड़ देंगे। बस है, अंत में S आ रहा है, तो बस का बसेज हो जाएगा। इस प्रकार आगे है ग्लास, SS अंत में आ रहा है, इसके अंत में भी हम ES जोड़ेंगे तो ग्लासेज हो जाएगा और ये बहुवचन बन जाएगा। तो इस प्रकार ये पहला नियम था। और नियम क्या है? जिसके अंत में HS, CH, O, X, S और SS है, तो उनके अंत में हमको ES जोड़ना है, ठीक। इसी प्रकार दूसरा, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में F या FE है, पहले के अंत में दूसरे आ रहे थे, और दूसरा जो नियम है उसके अंत में F या FE वाला है, तो जिसके अंत में F या FE है, तो वहाँ हमें इनको हटाना है। F है तो F को हटाना है, FE है तो FE को हटाना है, इनको हटाकर VES जोड़ना है तो प्लूरल बनेगा। यानी कि
कोई भी अगर नंबर है, सिंगुलर नंबर है और अंत में एफ या ई, एफ ई आ रहा है, तो एफ या एफ ई को हटाकर हम वी ई एस जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेगा। इसके भी उदाहरण है नीचे, जैसे पहला है थीप, टी एच आई ई एफ, अंत में एफ आ रहा है तो एफ को हटा दो और वी ई एस जोड़ दो, थीव्स, टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स बहुवचन हो गया। इसी प्रकार दूसरा नाइफ, के एन आई एफ ई, अंत में एफ ई है तो एफ ई को हटा दो और वी ई एस जोड़ दो, लीफ, तो इसके अंत में एफ है, एफ ई को हटा दो और वी ई एस जोड़ दो। तीसरा नियम, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले वाला लेटर अगर वोवेल्स नहीं है, वोवेल्स नहीं है, वोवेल यानी स्वर, वाई से पहले वाला अक्षर अगर वोवेल्स नहीं है तो हम वाई हटाकर आई ई एस जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेगा। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और अंत में क्या है, वाई, और वाई से पहले वाला जो अक्षर है, पहले वाला जो लेटर्स है उसके अंत में अगर जो पहले वाला लेटर्स वो अगर वोवेल्स नहीं है, स्वर नहीं है, स्वर है ए ई आई ओ यू, इन पांचों अक्षरों में से अगर वाई से पहले कोई नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और आई ई एस जोड़ेंगे। इसके उदाहरण है जैसे बेबी, बी ए बी वाई, अब यहाँ पर अंत में तो वाई है और उसके पहले वाला क्या है, बी, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट से, वोवेल्स नहीं है ना, ए ई आई ओ यू ये इनमें से तो कोई नहीं है ना, नहीं है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और आई ई एस जोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा बी ए बी आई ई एस, बेबीज। इसी प्रकार आगे कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, अंत में वाई आ रहा है और वाई से पहले वाला अक्षर है आर, और आर भी क्या है, कॉन्सोनेंट से, स्वर नहीं है, वोवेल्स नहीं है, तो इसका हो जाएगा कंट्रीज, वाई को हटा दिया और आई ई एस जोड़ दिया। फिर नीचे की, के ई वाई, अब देखिए इसके अंत में वाई तो है, अंत में तो वाई है लेकिन वाई से जो पहले वाला जो लेटर्स है, पहले वाला जो अक्षर है वो है ई, और ई क्या है, ई वोवेल्स है, तो पहले क्या बताया कि अगर वोवेल्स नहीं है तो हटाना है और अगर है तो नहीं हटाना है, तो के ई वाई की यानी चाबी, तो इसका हो जाएगा के ई वाई एस, यहाँ पर हमको आई ई एस नहीं जोड़ना है, यहाँ सिर्फ एस जुड़ा है, क्यों, क्योंकि वाई से पहले वोवेल है इसलिए। चौथा बी ओ वाई, बॉय, बॉय यानी लड़का, अब यहाँ इसके अंत में वाई है और वाई से पहले वाला अक्षर जो है वो है ओ, और ओ भी क्या है, वोवेल्स है, तो यहाँ पर वाई को नहीं हटाना है, अगर वोवेल्स नहीं है तभी हटेगा, तो इसका हो जाएगा बी ओ वाई एस। तो इस प्रकार से ये तीन नियम हुए, आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।